मॉर्निंग फ्रॉम बनिहाल। कल का आप ये एपिसोड आपने देख लिया होगा कि रोड वगैरह की क्या पथरी कंडीशन है। अगर नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक आ गया होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो कि हम यहाँ तक भी कैसे पहुँचे। इट वॉज नॉट अ ईजी टास्क दैट वी रीच है नाउ फाइनली स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं पहले श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल। और अगर कोई बैकग्राउंड से शोर आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर यार। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो गाइज। इफ यू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल और न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस इज मसन हाईवे। चलो लेट्स रोल। फिर आपने कश्मीर की तो एक कहावत सुनी ही होगी, तो क्यों सुनी है और वो कहावत क्या है मैं आपको व्यू के साथ में बताता हूँ। लुक एट द ब्यूटी वर फिरदौस बारे रूर जमी अस्त अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। फाइनली फाइनली पहुंच गए हम श्रीनगर और श्रीनगर के अंदर हैं हम। सॉरी हाँ यार, श्रीनगर में रहे और श्रीनगर में हम डल लेक में। तो अपना ये है शिकारा जो भी हाउस बोट, तो ये अपने हाउस बोट है। अब हम यार खाना ढूंढ रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। डेली फास्ट फूड तो है यार। एक्चुअली मैंने बताया ना अभी कि यार सब कुछ आज बंद पड़ा यार, बहुत बंद पड़ा यार, बहुत दिक्कत हो रही है। और इससे ना आई थिंक इसके तरफ हम ऐसे ही चलते रहेंगे, खाने को कहीं कुछ देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम चाह रहे हैं भैया पहले हो जाए पेट पूजा, बाद में काम डूब जा भाई। हाउस बोट दिखाएगा बढ़िया। नहीं नहीं दोस्त, खाने वो रहना नहीं है, खाना खाना, खाने को कहाँ मिलेगा बताओ। हाँ नहीं नहीं वहीं खाने, रेस्टोरेंट ढाबा टाइप का में चाहिए। देखते हैं, हाँ खा लेंगे। लंच कर रहे हैं, लंच करके अभी जस्ट हटे हैं और इस कृष्णा होटल में हमने खाना खाया। एक डल लेक यहाँ पे, हमारे डल लेक यहाँ पे अंदर से, यहाँ से ऐसे करके आए, छोटी सी गली थी और उसके अंदर ही है। बहुत अच्छा खाना है, आ सकते हो यहाँ पे। चलते हैं थोड़ा डल लेक की। तो फाइनली डल लेक पहुँच गए हम तो भाई, और हालत कुछ अच्छी नहीं है ना, तो हालत को इग्नोर कर लेना। और डल लेक हम फाइनली पहुँच गए हैं। सुबह चले थे हम मेरे ख्याल से 9 बजे के करीब, और अभी बज रहे हैं ढाई। वैसे इस बीच में हमने लंच भी कर लिया, जस्ट अभी करके आया था, आपको पता है भूख तो बहुत लग रही थी। ब्रेकफास्ट हमने किया था तो लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ हो गया। एंड भैया डल लेके अगर मैं आपको नज़ारे दिखा दूँ मैं पहले, तो वहाँ पे देखो कमल खिलने की स्टार्टिंग हो रही है अभी, तो अभी छोटी छोटी लीव्स हैं, तो इट विल टेक टाइम टू ग्रो। चलो जी, अभी इस ब्यूटीफुल लेक को बाय करने का टाइम आ गया है, तो अभी चल रहे हैं हम यहाँ से और चलते हैं और न्यू डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे जाके आपको नए नज़ारे और नया एक्सपीरियंस देते हैं आपको। तो कंटिन्यू करते हैं अब रोड पे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो यही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब ये लेक है और एक तो मार्केट है यहाँ पे, तो मार्केट आज जैसे मैंने बताया कि आज फ्राइडे है तो कम्प्लीटली क्लोज है, तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो हमने सोचा कि यार यहाँ से सीधा कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, तो वहाँ पे चलते हैं। और जो बीच में आपको नज़ारे दिखने वाले थे, क्योंकि आपने अभी तक तो देखा होगा क्या क्या नज़ारे दिखे, अब जो और नज़ारे दिखने वाले हैं ना वो उससे और बेहतर होंगे, तो कंटिन्यू करना चाहिए।
तो चलो जी, उस ब्यूटीफुल नदी को से अब आगे चल रहे हैं और आपको ब्यूटीफुल लोकेशन पे लेके चल रहे हैं, नई वाली पे और वो भी। एंड यहाँ से अभी जो सोनमर्ग बचा है वो 55 किलोमीटर है। रोड बहुत अच्छी है अभी तक और पेट्रोल पंप बिल्कुल बराबर मिल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कहीं पे भी मिले तो आर्मी वाले जो हैं, आपके जो लोकल पुलिस है वो भी बहुत सपोर्ट कर रही है। और इन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बॉय, अच्छा वो तो वो है वायर है, अच्छा वो दिखेगी ना, विजिबिलिटी कम होगी ना उसकी, इसलिए। बहुत सारे लोग फ्लाइट से आ जाते हैं, ले कर लेते हैं, मतलब बहुत से लोग रोड से करते हैं, तो सबका अपना अपना नेचर है। किसी को हमारे जैसे इतनी दिक्कतों से रोड से आते हुए सब कुछ करते हुए जब अच्छा लगता है ले, क्योंकि वो फील अलग होता है कि आपने अचीव किया है। एंड प्लेन से कुछ अलग होता है कि आप आए वहाँ से सीधा उतरे अपने एयरपोर्ट से, आपने गाड़ी करी वहाँ से चले गए आप, बट आपका एक टैग लग जाता है कि हाँ भैया आपने कर दिया ले, सो दैट्स फाइन। बट अपनी अपनी सोच है, हमारी सोच ये कहती है कि भैया हमारे में रोड वाली चुल है तो हम इस रोड वाली चुल के साथ में पूरा पूरा कार्य करेंगे। तो मुझे तो लग रहा है इस बार आप ही का भाई है जो आपको लद्दाख का पूरा ट्रिप दिखाने वाला है 2021 में, क्योंकि यार अभी तक तो मैं अकेला ही राइड पे कर रहा हूँ, राइड चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे लगता है कि भाई इस बार आप ही का भाई आपको पूरे फुल नज़ारे देने वाला है। तो इसी के लिए अगर इस चैनल पे अगर नए हो तो डू सब्सक्राइब, शेयर कर देना, जो भी इस लद्दाख की ट्रिप को देखना चाहता है उसे शेयर कर देना, और अगर जो ट्रैवल लवर है उसको कर सकते हो। एंड सपोर्ट करना है भाई मुझे तो बिल्कुल करना, आई नीड योर सपोर्ट, सो डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ आइए सर, बैक साइड में अच्छी पार्क है, हमारे मेहमानों को बदल रहे हैं वहाँ पे सर, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे मेहमान कहाँ से, हमारे यहाँ से सर, आप वॉशरूम वगैरह जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, जहाँ पे आपकी चाय पी लेते ना, भाई के पास ही चाय पी के चलते हैं। तो यार एक तो बाहर जगह थी खाने पीने के लिए, सो हमारे में तो चुल रहती है हमेशा, तो हमने बोला कि नहीं भाई कुछ ढंग की जगह है बैठने की, तो भाई ने बहुत प्यारी जगह दिखाई, जगह दिखाता हूँ। तो फाइनली भाई जो प्लान हमारा चेंज हुआ था, अब वो मैं रिवील कर देता हूँ। हमारा जो प्लान है वो क्या प्लान है, हमारा प्लान ये है कि यार हम यहीं रुक रहे हैं अभी। अगर टाइमिंग बताऊंगा मैं आपको तो अभी इट्स ऑलमोस्ट 6 और सोनमर्ग जाते जाते हमारे को 7 बजने वाले हैं, होटल वगैरह ढूंढेंगे तो 8 बज जाएंगे। तो आई थॉट यार, मतलब वी थॉट कि लेट्स प्लान समथिंग कि जो डिफरेंट हो। हमने आपको जैसा एक्सपीरियंस बोला यार कि आपको कुछ ना कुछ नया देना है, एक्सपीरियंस देना है, तो दिस ब्यूटी हैज़ नॉट एक्सप्लोर्ड येट। एंड बेस्ट पार्ट इस लोकेशन का, आपको व्यू शायद हम दोनों के पीछे से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो भाई मैं अभी और इससे पहले मैं दिखा चुका हूँ आपको कि अभी तो और वीडियो आएंगे, मेरे ख्याल से बहुत प्यारा है यार। हाँ। बहुत प्यारा है यार। अब जरूरी नहीं कि अगर किसी ने बता दिया हो, यूट्यूबर ने बता दिया या किसी और डेस्टिनेशन पे आपने गूगल में जाके देख लिया हो खासकर कि वहाँ पे जाके बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है यार। ये वाली जो ऐसी लोकेशन होती है ना, ये आपको ना कोई ना यूट्यूबर बताने वाला है ना गूगल में मिलने वाली, ये अनएक्सप्लोर्ड चीजें होती हैं जो आपको रैंडम मिलती है। रैंडम कैसे मिलती है, हमारा प्लान भी ये था, हमारा प्लान भी ये था कि हम चलेंगे, बस हमें पता है कि इस रोड पे चलना है और उसके बाद हमें जहाँ पे ढंग की जगह मिलेगी हम वहाँ पे रुक जाएंगे। लव यू ऑल कश्मीरीज, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर, आप लोगों से आपका सपोर्ट, आपका प्यार बहुत अच्छा लग रहा है। सो अभी यार ऐसा करते हैं, अब हम यहाँ पे जो कैंपिंग करने वाले ना भाई, आपको उसका पूरा व्यू देते हैं कि हम यहाँ पे कैंपिंग ऐसे करेंगे। तो भाइयों आज की लोकेशन अपनी ये है, यहाँ पे अपना कैंप लगेगा पूरा का पूरा। एंड सी, तो यार छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, भाई बहुत सारे हमारे आ गए थे तो मैंने चलो उन भाइयों से भी मिलवा देता हूँ। सर ये सर का ही है पूरा का पूरा, जो हम जिस लोकेशन में ना, सर का ही है, क्या नाम लोकेशन का नाम बताओ पहले। थ्यून, थ्यून बोल रहे हैं, सोनमर्ग हाईवे, सोनमर्ग हाईवे पे थ्यून है, वो ऑलरेडी बता दिया था, बट इसका कुछ नाम है अपने, इसका थ्यून, थ्यून नहीं, नहीं अपने इसका ढाबे का, ढाबे का राजा होटल, राजा होटल करके है, उसके बैक साइड में ये लोकेशन है। क्या नाम है आपका?
थोड़ा तेज बोलो, वीडियो में आएगा। फिरदौस जी, फिरदौस अहमद, आमिद, आमिद, आमिद भाई, सलीम, सलीम भाई और मुजम्मिल, अपने सारे भाई आ रखे हैं यहाँ पे। और वो जो अपना बिजी मैन है, वो जो अपना बिजी मैन है, ठीक है ना, उसको है? ये होटल ओनर है, ये होटल ओनर है, ये भाई हमारा होटल ओनर है, ठीक है ना। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान भाई का नाम है। और सोनू के नाम से फेमस है, राजा भाई के नाम से, राजा भाई के नाम से फेमस है। तो कभी भी सोनमर्ग हाईवे पे आओगे तो राजा भाई को पूछ लेना, बता देंगे हर कोई, इतना फेमस है भाई हमारा। तो यहाँ के भाइयों से बात करते करते कब टाइम निकल गया ना ये पता नहीं लगा। तो शाम से अभी ऑलमोस्ट हो गई है रात, और रात के हम नज़ारे कुछ आपको वैसे मेरे फेस की लाइट से पता लग गया होगा ये किसकी लाइट है। तो जी हाँ, यहाँ पे हमने बोन फायर कर लिए, तो बोन फायर कर लिए यहाँ पे, और मज़े ले रहे हैं। अभी टेंट लगा हुआ है यहाँ पे अपना, और यहाँ पे अपने पीछे है टेंट। खाना वाना मंगाएंगे और खाना खाएंगे, मगर फील अलग आ रहा है, बहुत तगड़ा वाला। तो भाई डिनर के बाद में ये अपना कैंप हो गया है सेट, ब्लूटूथ वहाँ पे स्पीकर रखा है, जैकेट है, ये वाले स्लीपिंग बैग हैं, ये दोनों के दोनों स्लीपिंग बैग भी यूज़ हो रहे हैं अभी। तो बस अब इसके अंदर सोने की दे रही है, इसके अंदर बंदों की दे रही है, बस सौदा तो सब आ गया। और अभी तो यहाँ पे यही है, यहाँ पे सो रहे हैं। बाइक हमने यहाँ पे अपने पीछे पार्क कर दिए दोनों की दोनों, एंड बस यही है अभी तक तो अपडेट। आगे का आपको अपडेट मिलता रहेगा इसी वीडियो के साथ में, तो बने रहिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है इन सब वीडियोस को बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जस्ट डू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू। ओ भाई, तो चलो भाइयों, आज के इस दिन को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और लेते हैं एक थोड़ा सा गैप सोने के लिए। और अगर आप देखोगे तो मैं अपने स्लीपिंग बैग में सो रहा हूँ आराम से, ये मेरा स्लीपिंग बैग है। बस छोटी सी एक दिक्कत हो गई कि मैं इसमें फिट नहीं आ रहा हूँ, ठीक है वैसे फिट नहीं आ रहा हूँ तो, बट आई हैव टू मैनेज इन दिस ओनली। तो जैसे भी भाई जाइए, यहीं पे सो रहे हैं, तो बस अपना ये कर रहे हैं अभी। और अभी सो के यार जल्दी उठना है, क्योंकि हमारा प्लान यही है जल्दी उठना है उन्हें। तो बस गाइज, अभी तक के लिए ये इतना ही काफ़ी है। और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया एंड वन व्हाट सो एवर रीज़न, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई होप आपको अच्छी लगी, क्योंकि यार मेहनत बहुत लगी है इस वीडियो में। एंड आई नो कि यार वीडियो थोड़ी सी लंबी आ रही है, बट क्या करें यार, मतलब लद्दाख का ट्रिप ही ऐसा है कि आप उसको 5-7 मिनट में नहीं ख़त्म कर सकते हो भाई, 5-7 मिनट में बिल्कुल नहीं ख़त्म कर सकते हो। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने 10-15 मिनट भी अगर आप निकाल रहे हो, 15 मिनट भी अगर आप निकाल रहे हो, तो क्या दिक्कत है, आपको एक इतना बड़ा इन्जॉयमेंट मिल रहा है, तो आप उसको इन्जॉय करो। और एक चीज़ के यार, हो सकता है कि ना वीडियो का मैं ऊपर नीचे हो जाए, कि किसी में हो सकता है ओपनिंग ना हो, किसी में क्लोजिंग ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारे को खुद नहीं पता यार कि हम कहाँ से डे स्टार्ट कर देते, कहाँ पे हमारे को ख़त्म करना होता है। जैसे हम दिल्ली से चले थे, हमने 24-25 घंटे हमने कंटिन्यूसली बाइक चलाई, तो अब उसको भी हमने डिवाइड कर दिया था। तो बस अभी तक के लिए इतनी काफ़ी है, तो सी यू ऑन द रोड टुमारो, बट गुड नाइट।